विपक्षी दल यानी इंडिया की दो बैठकें हो चुकी है, जिसमें पहली बैठक पटना में हुई थी जहां विपक्षी गठबंधनों का नाम तय हुआ था और दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई थी। अब एक बार फिर विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया की 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में बैठक होने वाली है। गठबंधन बनाकर विपक्षी दलों के नेता काफी जोश में दिख रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी को सत्ता से हटा देंगे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जिनकी वजह से इस गठबंधन के टिके रहने पर भी सवाल उठने लगा है। आपको बता दें कि तीन ऐसे अहम मसले हैं जिन पर पेच अभी भी फंसा हुआ है। चलिए इस वीडियो के जरिए आपको उन तीन मसलों के बारे में बताते हैं। नमस्कार, न्यूज रूम पोस्ट में आपका स्वागत है, मैं आपके साथ कुणाल। पहला मामला यह है कि गठबंधन ने अपना नया नामकरण तो कर लिया है, लेकिन इसमें शामिल विपक्षी दलों के बीच सहयोग बनाए रखने के लिए किसी नेता को अलग से जिम्मेदारी नहीं दी गई है। पहले खबर आ रही थी कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार को विपक्षी दलों के गठबंधन का संयोजक बनाया जाएगा, लेकिन आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने सोमवार को एक इंटरव्यू में कह दिया कि किसी एक की जगह कई संयोजक बनाए जा सकते हैं। दूसरा मसला यह है कि विपक्षी दलों के गठबंधन ने अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपना कोई पीएम चेहरा भी तय नहीं किया है। राहुल गांधी की सांसदी वापस आ गई है, इससे उनको पीएम का चेहरा बनाने के लिए कांग्रेस में चर्चा शुरू हो गई है। वही ममता बनर्जी को पीएम का चेहरा बनाने की बात टीएमसी के तमाम नेता करने लगे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के पीएल पुनिया और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते रहे हैं कि पहले लोकसभा चुनाव तो जीत लें, बाद में पीएम पद का चेहरा भी तय हो जाएगा। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सभी को एक दिखाने की कोशिश भले ही हो रही हो, लेकिन पीएम पद का चेहरा सामने ना लाने से विपक्ष को चुनाव में दिक्कत हो सकती है। अब तीसरा और सबसे बड़ा मसला राज्यों में विपक्षी दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर है। सीपीएम और टीएमसी ने साफ कर दिया है कि उनके बीच पश्चिम बंगाल में सीटों के बंटवारा नहीं होगा। वहीं दिल्ली कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा भी कह चुकी हैं कि पार्टी ने राजधानी की सभी 7 सीटों पर चुनाव की तैयारी करने को कहा है। वहीं पंजाब में कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रताप सिंह बाजवा ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी से सीटों के तालमेल से साफ इनकार कर दिया है। यूपी में भी कांग्रेस अगर सपा से सीटें मांगेगी तो देखना यह है कि सपा कितनी सीट देती है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्यों में भी विपक्षी गठबंधन को सीट बंटवारे का फार्मूला तय करना होगा। ये काम किसी झमेले से कम नहीं है, खासकर इस वजह से क्योंकि नीतीश कुमार और कुछ नेता कहते रहे हैं कि विपक्ष को बीजेपी के खिलाफ हर सीट पर एक ही संयुक्त प्रत्याशी देना चाहिए, जबकि क्षेत्रीय दलों के सुप्रीमो शायद ही इस बात पर राजी हों। तो आपको क्या लगता है, क्या इन मसलों पर विपक्षी गठबंधन एकमत हो पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट।